हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज़। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा जीरो वैल्यूड इंट्रीज़। जीरो वैल्यूड इंट्रीज़ में क्या था कि जब हम कोई भी सामान खरीदते थे, कोई भी आइटम खरीदते थे, उसके साथ किसी अदर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट फ्री मिलता था, तो ऐसी इंट्रीज़ को हम जीरो वैल्यूड इंट्रीज़ के अंतर्गत पोस्ट करते थे। बट आज हम आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी बता रहे हैं। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी मीन्स इसके अंतर्गत हम वो इंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं, जैसे हम कोई भी माल सेल करते हैं और उसके साथ वही माल, वही प्रोडक्ट हम सेम प्रोडक्ट फ्री देते हैं, तो ऐसी इंट्रीज़ को हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज़ के अंतर्गत करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बाई वन गेट वन फ्री या बाई टू गेट वन फ्री, ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं कंपनियों में ज़्यादातर। ऐसे ऑफर्स कंपनीज क्यों देती है? बिकॉज उसके पास यदि माल ज़्यादा होता है, माल डंप रहता है, या पुराने स्टॉक्स को उसे निकालना होता है, या अपने सेलिंग को इम्प्रूव करना होता है, तो उसके लिए ऐसे ऑफर्स आते हैं जो उसकी एंट्री को हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज़ के अंतर्गत करते हैं, जिस पर वो ऑफर देता है बाई वन गेट वन फ्री या बाई टू गेट वन फ्री। इस टाइप के जो ऑफर्स होते हैं उसकी इंट्रीज़ को हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज़ के अंतर्गत सबमिट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटीज़ को पढ़ाएंगे, जिसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी में ना रह जाए। तथा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटीज़ को हम टैली में कैसे यूज़ करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की मेन विंडो अवेलेबल है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए उसकी सेटिंग को हमें एक्टिवेट करना होगा, और सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए हम F11 की को यूज़ करते हैं, या फिर हम बटन बार पे फीचर्स ऑप्शन पर चले जाएं, या फिर हम F11 प्रेस करें या फीचर्स पर हम क्लिक कर दें, तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली कंपनी फीचर्स ओपन होकर के आए, जिसमें हम इन्वेंट्री फीचर्स पर जाकर के क्लिक करें, या फिर यहीं पर हम आई प्रेस कर दें तो हमारे पास इन्वेंट्री फीचर्स स्क्रीन आ जाएगी। इसमें हम एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, देख रहे हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत हम ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स, इसे हम यस कर लेते हैं, एंटर करते हैं, और कंट्रोल ए के साथ हम सेटिंग को सेव कर लेते हैं। स्केप करके हम बैक आते हैं और हम चलते हैं, देखते हैं कि हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिवाइस की शर्ट, टी शर्ट, लिवाइस की पैंट्स, पीटर इंग्लैंड की शर्ट, ये हम कुछ सेल कर रहे हैं जिस पर हम ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने स्टॉक पहले से ही क्रिएट कर रखा है। आप देखें लिवाइस जीन्स है, लिवाइस टी शर्ट है, पीटर इंग्लैंड टी शर्ट है, तो हम इसकी सेलिंग करते हैं, इस पर हम ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाय टू गेट वन फ्री या बाय थ्री गेट वन फ्री, इस टाइप के ऑफर्स हम देते हैं। उसको हम एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी में कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, अकाउंटिंग यहाँ पर एंटर करते हैं, हम चलते हैं सेल्स वाउचर में, आप देख रहे हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी ऑप्शन को हमने एक्टिवेट किया, जिसमें आपके वाउचर का थोड़ा सा फिगर चेंज हो गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं क्वांटिटी के अंतर्गत आपको टू कॉलम्स दिख रहे हैं, एक एक्चुअल है और एक बिल्ड है, एक्चुअल एंड बिल्ड। हम सेल्स वाउचर पे अवेलेबल हैं, चलते हैं हम सेल करके देखते हैं। मान लीजिए हम 001 एक बिल रेफरेंस हमने ले लिया, हम कैश सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश चुनाव करेंगे, एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, हम यहाँ सेल्स वाउचर चुनेंगे, डेट अगर चेंज करना है तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लेंगे। चलते हैं हम लिवाइस की जीन्स हम सेल कर रहे हैं, मान हम अपने अयोध्या लोकेशन से इसको सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ऑफर है बाई थ्री गेट वन फ्री, तो हम यहाँ पर 4 एंटर करेंगे और यहाँ पर हम 3 एंटर करेंगे। बिलिंग हमने 3 पीसेस का करना है, रेट है 1250 रुपये, एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स आप समझें लिवाइस की 3 जीन्स पर 1 जीन्स फ्री मिल रहा है, तो उसे हम बाय 3 गेट 1 फ्री ऑफर बोलेंगे, जिसमें कुल एक्चुअल में 4 पीसेस हो जाएगा और बिल में आपका 3 पीसेस रहेगा। एंटर करते हैं, लिवाइस की टी शर्ट हमें सेल करना है, ये भी हम अयोध्या से कर रहे हैं अपने
एक्चुअल में हम 3 कर लेते हैं, विल्ड में हम 2 कर लेते हैं, रेट हम दे देते हैं 799, 799 रुपये। आप देख रहे हैं बाई टू गेट वन फ्री, मतलब कुल 3 पीसेस हो जाएंगी, 2 पीसेस पर हम बिल करेंगे। एंटर करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, ये भी अयोध्या से ही हम सेल कर रहे हैं। टोटल हमने 5 पीसेस कर दिया। यदि हम 4 पीस बाई 4 गेट वन फ्री है, अगर 4 पीस कोई भी खरीद रहा है हमसे तो हम उसे एक फ्री पीस फ्री दे देंगे। तो यहाँ हम बाई 4 गेट वन फ्री ऑफर दे रहे हैं। रेट हमने दे दिया 1150 रुपये। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हम फ्री की एंट्री कैसे कर लेते हैं। मान लीजिए हम जीन्स ही लिवाइस की और जीन्स बेच रहे हैं, उस पर हमें कुछ भी फ्री नहीं देना है या उसकी साइज चेंज है, तो हम यहाँ फिर से एक बार यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हम केवल फ्री की ही एंट्री कर पाएंगे, हम एक एक्चुअल कर रहे हैं और एक में बिल भी कर रहे हैं। इसका रेट है आपका 1050। एंटर करते हैं। तो यदि हम फ्री नहीं भी दे रहे हैं तो भी हम एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी में बिलिंग करते हैं। एंटर करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। आपने देखा कि हम डिस्काउंट के साथ उसकी बिलिंग को एक्चुअल बिल क्वांटिटी में कैसे हम पोस्ट करते हैं। यदि डिस्काउंट नहीं भी है तो भी हम उसकी एंट्रीज में कैसे पोस्ट करते हैं, या आपने कंप्लीटली देखा और समझा। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि हमें इस बिल को प्रिंट करना है तो हम ये पेज अप बटन को प्रेस करते हैं और यहीं से हम अल्ट और पी कर लेते हैं। आप जानते हैं प्रिंट का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस पी। अगर हम एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ विद प्रिंट प्रीव्यू शो है, तो एंटर करेंगे तो प्रीव्यू शो हो जाएगा। हम यहाँ क्लिक करके जूम कर सकते हैं, जूम करेंगे या अल्ट के साथ जेड यूज़ करेंगे। आपने देखा ये जो मैंने बिल किया है, क्वांटिटी देखिए वही दिखा रहा है, 3 पीसेस, 2 पीसेस, 4 पीसेस एंड 1 पीसेस, बिकॉज फ्री वाला जो हमने दिया है वो इसमें ऐड नहीं हुआ। यहाँ इसका एक्चुअल रेट आपका शो कर रहा है। इस तरह से हम बिल को चेक कर लेंगे, बैक करके आ जाएंगे। यदि हमें रिपोर्ट चेक करना है तो हम रिपोर्ट चेक करने के लिए बैक करके आ गए, डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक ऑप्शन होता है, यहाँ से स्टॉक आइटम के आधार पर हम चेक कर लें या फिर हम ग्रुप के आधार से चेक कर लें। आप देख रहे हैं ग्रुप मैंने सब प्राइमरी में डाल रखा है, तो जैसे ही हम प्राइमरी करेंगे आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाएंगी। ये हमारा क्वांटिटी, चूंकि हमने माल सेल किया जो हमारे यहाँ से चला गया, हमारे पास पहले से अवेलेबल था। हम चेक करते हैं, हमने 5 पीसेस सेल करा है, तो 5 पीस हमने सेल कर दिया है। आप देख रहे हैं सेल किया है 5 पीस टोटल। एंटर करेंगे तो हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि 4 पीस 5 पीस हमने ज़रूर सेल किया है, उसमें हमने 4 पीस का, जैसे जैसे हमने जिसका सेलिंग किया हुआ है, जींस मैंने 5 पीस किया, एक बार 4 पीस और एक बार 1 पीस, तो 5 पीस वही दिखा रहा है वहाँ पर। यहाँ पर 3 आपका बिलिंग हुआ, 1 फ्री गया। इसमें आपने कुल 3 पीसेस दिया जिसमें 2 पीस की बिलिंग हुई, 1 फ्री गया। इसमें आपने कुल 5 पीसेस सेल किया जिसमें 4 पीस की बिल हुई और 1 फ्री गया। इसमें आपने 1 पीस दिया, 1 पीस की बिलिंग हुई और 1 ही पीस हमने सेल भी किया। इस पर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड किया, और पर हमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, मतलब उसके साथ सेम प्रोडक्ट हमने फ्री प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हम बैक करके आ जाते हैं। आपने देखा कि हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की एंट्रीज को हम टैली में कैसे पोस्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट को हम आइटम वाइज अगर चेक करना चाहते हैं तो हम आइटम वाइज भी चेक कर सकते हैं। उसकी एंट्रीज, उसकी रिपोर्ट को हमने चेक कैसे चेक किया। हम और बैग आ जाते हैं। यदि हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं स्टॉक समरी से, तो यहाँ से भी हमें वही समरी प्रोवाइड हो जाएगी। इट मीन्स हम रिपोर्ट्स को कई स्थान से, कई जगह से देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के साथ बताएं और हम उसका उचित सजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आप वीडियोस को 1 से 2 बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।